भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को, आपने तो दे दी ना सारी संपत्ति। आप कुछ भी कर लेंगे चुटकी में, तो क्या आप चुटकी में इस देश की बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते? चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। यही लगता है आपको भैया जी? पहले तो मैनिफेस्टो हुआ, पहले मैनिफेस्टो हुआ तो आप लोगों का भी आया, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, तब विजन बताया जा रहा था 2047। देखिए उनके विजन, आज विजन जो है, आज विजन की बात नहीं हो रही है, आज सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषणों में कांग्रेस है। क्या कैसे देखती हैं आप इसको? ये इनकी पुरानी आदत है, हम शुरू से और अभी तक हम विजन की बात कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं कि ये हमारी गारंटी है, इस तरह से हम रोजगार बनाएंगे, महिलाओं को हम ये देंगे, महिलाओं के लिए हम ये रोजगार देंगे, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, SC ST के लिए ये करेंगे, हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। आप मेरे भाषण को भी सुने, आधा भाषण इसी पे है, ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या देश की क्या परिस्थितियां हैं। अब इनके जो भाषण है वो आप ही आप सुनते हैं, आप देखते हैं क्या कहाँ है ये बातें, कौन सा विजन भाई? क्या ये विजन आपने कह दिया कि 2047 का विजन है? नहीं, क्या है ये विजन? और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को, आपने तो दे दी ना सारी संपत्ति, सारे कोयले के खदान, सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, सारी सड़कें, आपने सब दे दी अपने दोस्तों को, क्या यही है आपका विजन? आपका आम आदमी के लिए क्या विजन है? आप रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं? आप महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? चुनाव से पहले आपने कह दिया कि सिलेंडर 400 का है, पिछले इतने सालों से महिलाएं सिलेंडर खरीद रही हैं 1200 का, तब आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, आप कह रहे हो कि हम फट से इसको कम कर देंगे, कैसे? पहले क्यों नहीं की जब आप कर सकते थे? जब आप इतनी, आपके पास इतनी सत्ता है, आप मोदी जी हैं, आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और आप में इतनी क्षमता है कि आप रूस का जो युद्ध है वो बंद कर देंगे, यूक्रेन वाला, आप कुछ भी कर लेंगे चुटकी में, तो क्या आप चुटकी में इस देश की बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते? क्यों आप चुटकी में ये जो महंगाई है कि महिलाएं जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, तो त्योहार के मौसम में कुछ क्या करती हैं बेचारी? घर जाती हैं, जो छोटी मोटी बचत है उससे कुछ नहीं मिल रहा है, घर का परिवार का सब काम, सारे सदस्य काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ से कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि कमाई करे, कोई खेती में, कोई कहां, कोई जॉब करके, जो भी है, वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या किया है मोदी जी ने? 25 साल पहले का भी आपका बयान सुनते थे तब भी आप डिफेंड करती थी, परिवार को आपको लेके अटैक होता था, आज भी परिवार को लेके ही निजी हमले होते हैं, तो क्यों नहीं डिफेंड करूंगी? किस तरीके से मेरा परिवार है, क्यों नहीं डिफेंड करूंगी? देखिए परिवारवाद की बात करते हैं, आप जरा मुझे गिन के, अगली बार आप मेरे से मिलेंगे ना, मैं आपसे मांगूंगी, आप मुझे एक सूची दीजिए कि किस किस परिवार के कौन से बच्चे, बेटे, बेटियां, चाची, चाचियां इनकी पार्टी में हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज इनकी पार्टी में ज्यादा है। तो ये जो परिवारवाद की बात करते हैं ना, इनको समझना चाहिए कि परिवार जो भी होता है, हर परिवार में एक मर्यादा होती है,
हर परिवार के कुछ असूल होते हैं और परिवार के सदस्य उन असूलों के लिए हमेशा लड़ते हैं। यही हमारी परंपरा है। भगवान राम ने भी यही किया। भगवान राम को हम आज क्यों पूछते हैं? क्योंकि यही थी उनकी मर्यादा थी। उन्होंने अपनी मर्यादा को बचा के रखा और उसके लिए सच्चाई के लिए लड़े। यही हम कर रहे हैं। अब इसको ये एक दिन परिवारवाद कहते हैं, दूसरे दिन ये देशद्रोह कह देते हैं इसको, तीसरे दिन कह देते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं। सारी बातें जो है ना इनके दिमाग में है। सच्चाई पब्लिक के सामने है। इस परिवार के सदस्यों ने जीवन दिया है इस देश के लिए पीढ़ियों से, और हम देते रहेंगे। आप चाहो न चाहो, गालियां दो, घर से निकाल दो, जेल में डाल दो, केस लगा लो, भ्रष्ट कह लो, देशद्रोही कह लो, कुछ भी कह लो, हम करते रहेंगे। यही हमारा कर्तव्य है।